नमस्कार, मैं मंजू सोनी अल्फाजी अध्याय चैनल से आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि में शक्ति रूपा माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे मन में यह सवाल उठता है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ दुर्गा में अपार शक्ति कहाँ से आई, उनकी 18 भुजाओं में प्रभावी अस्त्र कैसे मिले। तो इस नवरात्रि में हम आपको बता रहे हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का जन्म राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। दैत्यराज ने वरदान में मिली अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सभी देवी देवताओं को परेशान कर रखा था। तब सभी देवी देवताओं ने इस राक्षस से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की समस्या को सुनकर तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का अंत किसी कुंवारी कन्या के हाथों से ही संभव है। तब सभी देवता ने मिलकर अपने तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण किया। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं और चंद्रमा के तेज से वक्ष, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियाँ, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र का निर्माण हुआ। माता की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति और बाणों से भरे तरकस, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने ब्रज, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी किए सिंह दिया। इनके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य अस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर, दो कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियाँ थीं, इनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं था। उनमें अपार शक्ति थी, उन शक्तियों का कोई अंत नहीं था, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाई। आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ।